योगा रिवाइज करना हो। सबसे पहले आपको योगा के आसन कुछ पता है? नेम देख लो, आप कितने दिन हो गए करते हुए? पता है कौन से होते हैं, करने भी आते हैं ना बेटा। आपको मैंने कहा हुआ है यू हैव टू डू एनी टू आसनास व्हेन देयर इज ए प्रैक्टिकल। ये आप लोग भी सुन लो बेटा, आपको आसन्स करने आने चाहिए। आपको कोई भी सीटिंग आसन, स्टैंडिंग आसन, और आसन कोई मुश्किल थोड़ना है, क्या है उसमें? अनुलोम विलोम दैट इज ए प्राणायाम, वो प्राणायाम में होता है। दैट इज ए डिफरेंट क्रियाज जो प्राणायाम में आप करते हो। बट वी विल स्टार्ट विद द योगा फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन विद आत्मा टू परमात्मा, सिंपल योगा। और इट इज वन ऑफ द ओल्ड टेस्ट, ठीक है, जो आप फिजिकली एज वेल मेंटली हम जो एक्टिविटीज करते थे, ये सबसे ओल्डेस्ट है योगा। आपने सुना होगा जो बहुत ही पुराने पुराने ऋषि मुनि है, ठीक है, वो कहते हैं ना कई कई साल से तपस्या कर रहे हैं, दैट इज ऑन बुक हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है। तो यही मेडिटेशन, और दिस इज एक आप कह लो कि एक सुपर पावर जो होती है ना, जो आपको एलिमेंट्स मैंने लिखाए थे योगा के, याद है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है व्हाट इज योगा, क्या किसको बोलते हैं? इट इज अ ओल्डेस्ट इंडियन वे टू डील विद द फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है। ये बहुत ही, और ये आपको ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पुराने सेंट साधु इन लोगों ने ये किया। जैसे अभी भी आपने देखा होगा हठ योगी, सुना है नाम हठ योगी? हठ योगी आपने कुछ देख टीवी में समटाइम यू हैव सीन इन, जब आपका कुंभ मेला होता है या वहां पे कई साधु ऐसे आते हैं सेंट, जो कोई उल्टे खड़े बैठे ऐसे शीर्षासन पे कई कई दिन घंटों तक कई उल्टे लटके हुए ऐसे, वो हट योगी होते हैं। जो उन्होंने काम कर लिया, आपने कहीं देखा होगा वन लेग पे ऐसे खड़े रहते हैं ऐसे पानी के अंदर, ठीक है, वो हट योग। उन्होंने वो अपनी साधना वो अपने करते रहना है, वो बिल्कुल विलीन हो जाते हैं जिसको, इसीलिए हम बोलते हैं ना यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। उनका कोई कहीं पे माइंड कोई कुछ नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन में आपने कोई काम धंधा कुछ नहीं, उनका बस एक वही मेडिटेशन होता है। उनके जो सोच जो होता है ना, हमारा तो ये करना है, हमने फैमिली देखनी है, ये करना, वो सब से निकल चुके होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ध्यान समाधि, लास्ट स्टेज एलिमेंट्स ऑफ योगा में आपको इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो योगा एक बहुत ही पुरानी एक हमारी परंपरा कह लो इंडियन की, ठीक है, एक ट्रेडिशनल जो आपका तरीका है कि फिजिकली मेंटली अपने आप को, और अपने आप को क्लीन बॉडी को कैसे रखना है, अपनी बॉडी को प्योर कैसे रखना है, साधना साध्य के थ्रू, डिफरेंट मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये अब नाउ डेज इट इज ए वर्ल्ड वाइड, अब आपने देखा होगा योगा डे मनाते हैं, कौन सा होता है योगा डे? 21 जून, दैट इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड वाइड योगा डे, ठीक है। वो आपके बाबा रामदेव और इनके कह लो कि इन्होंने जो अपने प्रयास किए, जो इन्होंने इस पर काम किया, इस पर डिफरेंट, अब इनके इतने डॉक्टर्स लगे हुए हैं, देर इज कॉन्फ्लिक्ट आल्सो इन मेडिकल साइंस और दिस साइंस। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा एक डिबेट चली थी, बहुत ज़्यादा बहस आपको टीवी पे सुनने को मिलती थी कि वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आपके पास ठीक है, नो डाउट इन सर्जरी डॉक्टर आर गुड, सर्जरी जो इमीडिएट आपको जहाँ पे जरूरत पड़ती है सर्जरी की, वहाँ पे डॉक्टर्स का वो कहते हैं कोई मुकाबला नहीं। बट सम ऑफ द डिजीज लाइक स्पॉन्डिलाइटिस, आपको हाइपर टेंशन है, ठीक है, ब्लड शुगर और बैक पेन, इंटरनल ऑर्गन के कई, वो जिसपे इन्होंने कहा है कि हम उसका 100% क्योर करते हैं। कैसे करते हैं? डिफरेंट आसन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स है लोगों की जो डॉक्टर्स ने कहा, जिनका सिस्टम आफ्टर 2-3-4 मंथ्स योगा करने के बाद वो नॉर्मल हो गए, ठीक है। इवन बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वो भी करते हैं, सारे करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी का पर्सनल वो बना है,
आपने अपने बॉडी को क्लीन, आपने सुना होगा धोती नौली, सुना क्लीन करते हैं, एक क्लोथ को डालते हैं अपने अंदर, उससे पूरा आपका सारा मतलब स्टमक में वो कितने मीटर होती है, 9 मीटर 6 मीटर वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। फिर वो जल निधि करते हैं, नोज से वाटर को डालेंगे, थ्रोट से निकालेंगे। इट मीन्स ये डिफरेंट आपके वेज एंड मेथड्स हैं टू क्लीन योर बॉडी, वो भी एक साइंस से रिलेटेड है सारा काम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दिस योगा डेफिनेशन हो गई है, इसके बाद आपका डिफरेंट हमको सबसे इसका बेनिफिट क्या मिलता है अगर आप योगा करते हो। जितने भी योगा इस सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज जो हम करते हैं स्पोर्ट्स में, बट ओनली डिफरेंस इज वी आर डूइंग दिस विद द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड एक्सरसाइज, आपको मैंने कितनी बार तो बता दिया है। योगा में जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, दैट इज विद द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी। आप अगर आपने ऐसे हैंड को ऊपर लेके जाना है तो सांस को लेना है छोड़ना है, बट इफ यू आर डूइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सरसाइज, वहां पे हम कुछ ऐसा नहीं बोलते, जस्ट वी आर बेंडिंग जंपिंग, बट इसमें जो भी आपकी मूवमेंट होगी वो सीधी रिलेटेड टू योर इनहेल एक्सेल। सांस को बोलते हैं ना, सांस को लंबा लो, स्टॉप रोको फिर छोड़ दो, ये सारा आपका ब्रीदिंग से साथ चलेगा जो भी आपने आसन करने, ठीक है। उसको इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, रोचक पूरक कुंभक, तीन है आपकी रेस्पिरेटरी की जो मेन होती है। आपने सांस को लंबा लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना, ठीक है। तो इसके व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, रिड्यूस ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव करता है, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज, योगा मेन क्या आपका जो आज की डेट में मेडिटेशन करते हैं, जो आपको टोटली लाइफ आज की क्या स्ट्रेसफुल लाइफ है, टेंशन, हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन है, हर आदमी को कोई ना कोई क्या है, वो उसको दिमाग में सोच चल रही है, मैंने क्या बनना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या कमाई करनी है, ठीक है, घर पे क्या लेके आना, हर आपका ये 24 घंटे माइंड में चलता रहता है। चाहे आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, इफ यू आर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इफ यू आर रिच, वेरी रिच, जो मर्जी हो, हर आदमी 10 के 20 20 के 40 में लगा है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन किसी को भी नहीं है लाइफ में। अगर आप कोई पीएन है, अगर कोई गजटेड ऑफिसर है, कोई क्लास वन है, सब आदमी को कोई ना कोई टेंशन है। बाकी रही गई आपकी हेल्थ से रिलेटेड आ जाती है और आपका जो लाइफस्टाइल है, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हैंड टू माउथ ही हैं, बट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, और भगवान ने उनको उतनी टेंशन भी नहीं दी होती उतना उनको। आपने कहीं देखा होगा, कहीं सब कुछ होते हुए भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं, बोलते ना हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो जितना मर्जी पैसा आपके पास हो, आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ का। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। इसीलिए हेल्थ पे ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट ने अभी पिछले 2 साल से ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि बच्चों का जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, वो टोटली चेंज होना चाहिए। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। जितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी बॉडी की अगर गेम्स, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट में होगी, फिजिकल एक्टिविटी में होगी है, उतना ही उस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। ये तो फैक्ट है, जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो वैसे वैसे क्या होता है, वो सारा आपका लाइफ स्टाइल जो लथार्जिक हो जाता है, सारा ईजी वे, ईजी गोइंग लाइफ हो जाती है, ठीक है। गाड़ियों में जाना है, एसी में बैठना है, घर पे एसी में सोना है, आप इवन धूप में वॉक नहीं कर सकते हो, ये हालत होगी, ठीक है। एक्सरसाइज तो बात की बात है, थोड़ा सा हम एसी रूम से बाहर आते हो, गर्मी बहुत होगी, गर्मी, स्वेटिंग नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सारा दिन पसीना नहीं निकलता है, घर से एसी से उठे, गाड़ी में एसी में बैठे, ऑफिस में एसी में चले गए, बाहर निकलना ही बंद है, और
कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन है वो तो सनलाइट, और आपको पता है सबसे जरूरी है 15-20 मिनट धूप आपको बहुत जरूरी है, सनलाइट। आपने देखा होगा जितने फॉरेनर्स हैं वो अपने आराम से लेटे होते हैं, वो ऐसे ही नहीं पागल हैं कि अपने बैठे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द नेचुरल, आपको एक विटामिन डी मिलती है, ठीक है। तो ये लाइफ स्टाइल हमारा हो गया, इसको हम चेंज अपने आप ही कर सकते हैं, कोई आके नहीं करेगा आपको, ना किसी ने बोलना। हाँ, जब आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तो आपकी बीपी लेवल हाई हो गया, हाइपर हो गए, हाइपर टेंशन हो गई है, शुगर लेवल ज्यादा हो गया, फिर वो आदमी 40-50 साल की एज के बाद वो वॉकिंग करना शुरू करेगा, जो पता है, नहीं तो गोलियां, अभी सिंगल डोज है, अभी थोड़ा है, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सैर करनी शुरू कर देते। अगर आप यही रूटीन शुरू से रखो तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस आधा जो आपकी बीमारी का घर है वो स्ट्रेस है, टेंशन। अगर आपको 24 घंटे माइंड में आपके कोई ना कोई चलती है, बात चल रही है, सोच विचार चल रहे हैं, नेचुरली वो बीमारी का घर, ठीक है। बोलते ना, आदमी को जितना सोचेगा वो टेंशन ही मार जाती है। फिर उसको जो लाइफ में होना हो तो होना है, आप अपना काम करो, अपना अच्छा काम करो, ठीक है। हर चीज का रिजल्ट को सोच के काम मत करो। लाइफ में हार जीत फेलियर सब चलते हैं। अभी मैच देखा आपने इंडिया का, कहाँ पे वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की है और कहाँ सेकंड में की है, और उनको कोलैप्स कर दिया पूरी टीम, और वो 50 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है वहां पे, 50 ईयर्स में फर्स्ट टाइम। वो भी आपका एक विल पावर है, आपका मेंटल लेवल अच्छा है, आपके सारे जितने भी टीम वर्क, जिसको हम बोलते हैं ना टीम वर्क, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट मैच। हर आदमी का, हर टीम मेंबर का वहां कंट्रीब्यूशन था। वहां ये नहीं है कि किसी बॉलर ने 5 विकेट ले ली या 7 विकेट ले ली है, या एक बैट्समैन ने जिता दिया। हर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओपनर टू एंड, इवन बॉलर्स आपके सारे रन करके गए तभी वो इतने 450 प्लस रन हुए, ठीक है। हर बॉलर ने 2-2, 3-3 विकेट लिए, तो इसको हम बोलते हैं टीम इवेंट। टीम जब आपका कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है, आप अपना अच्छा एफर्ट्स दे रहे हो, हर आदमी का कोई ना कोई उसमें एफर्ट्स उसने लगाया है और अपना रिजल्ट दिया, तो उससे आपका क्या होता है, टीम का रिजल्ट आता है। तो ये डिपेंड करता है आपका अपना लाइफ स्टाइल पे, जो फिटनेस लेवल है हमारा, वो कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे, सब बोलेंगे आपने पढ़ना है या खेलना है, वो करना आप नहीं है, कोई आके ना आपको पढ़ा सकता है ना खिला सकता है। दैट इज योर विल पावर, आपका एक मेंटल लेवल क्या है, आपने अपना लाइफ में टारगेट क्या रखा हुआ है, ठीक है। अगर लाइफ में आपका कोई टारगेट नहीं है, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट, आप कभी भी, जिसको हम बोलते हैं ना बिग सक्सेसफुल आदमी नहीं हो सकता। जब तक आप टोटली मोटिवेटेड ना हो, अब मैंने आपको उस दिन मेथड बताया भी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ मोटिवेशन, ये थे हमने। किसी को अगर मोटिवेट करना है हमने टुवर्ड्स गेम एंड स्पोर्ट्स, हाउ वी विल मोटिवेट देम, कैसे मोटिवेट करेंगे? हाँ जी, आप में से कोई गाइस बता सकते हैं, वट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू आर्स गेम एंड स्पोर्ट्स? अभी आपके प्राइम मिनिस्टर इतना कुछ कर रहे हैं स्पोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए, गिव यू वन एग्जाम्पल, एनी वन फ्रॉम यू, आरजू, आर्यन, आस्था, अनन्या, हाउ यू मोटिवेट अ चाइल्ड टू आर्स अ गेम एंड स्पोर्ट्स? हाँ जी, जोर से बोलो यार, स्पीक लाउडली। संजीव महेश्वरी की जो मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, तो उनको फिर हम गेम में, उनको गेम का तो कुछ पता नहीं है ना, ग्राउंड में तो आपके कौन आएंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आदमी है? कोई कुछ नहीं है। हाँ जी गाइस, कुछ तो एक पॉइंट तो बोलो, हाउ यू मोटिवेट अ चाइल्ड?
उनको बेटा सिंपल है, आप छोटे बच्चे, आपके जो बिगनर होते हैं छोटे बच्चे, उनको हम कैसे पहले मोटिवेट करते हैं, पहले उनको हम डिफरेंट इक्विपमेंट दिखाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको बैट आप दे दो, हॉकी दिखा दो, कोई रैकेट दे दो डिफरेंट, वो अट्रैक्ट होते हैं पर्टिकुलर जो उनको अच्छी चीज लगेगी, वो बैट उठा लेंगे या बॉल उठा लेंगे। फिर वो जैसे बड़े होंगे आप उनको वो सामान देना शुरू कर दो, खेलना शुरू कर दो, फिर आप उस गेम के बारे में उनको बताओ, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ, उसके अच्छे अच्छे प्लेयरों के बारे में उनको बताओगे, फिर आप बताओगे कि वो प्लेयर्स जो हैं जो वर्ल्ड वाइड नेम फेम मनी, आपके जो डिफरेंट इंडिया में आईआईटीज में जाते हैं ना बच्चे, किसी का नाम पता है आपको, इतने इंडिया में इंस्टीट्यूशन है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, एक तेंदुलकर का नाम पूछ लो सबको पता है ना, आप अभी जाके पूछ लो कोहली को, जानते हो आपको सब बच्चे बोलेंगे हाँ जी, इवन जो नॉन स्पोर्ट्समैन है वो उनको भी पता होगा कि कोहली कौन है। तो ये नेम और फेम जो स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है जो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जो अच्छे लेवल पे खेलते हैं, आप उनके बारे में बच्चों को बताओ, एज ए प्रोफेशन के बारे में बताओ उनको कि इसका बेनिफिट आपकी लाइफ में क्या है। इफ यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, आप उनको प्राइज मनी, रिवार्ड, वैल्यूज, ठीक है, ये उनको जब आप बताओगे, अपने उनको एक लेक्चर दोगे, डिफरेंट वीडियोस दिखाओगे अच्छे अच्छे लेजेंड प्लेयर्स के, ठीक है, जिन्होंने इंडिया में वर्ल्ड में अपना नाम किया, तो नेचुरली एज ए प्रोफेशन वो बच्चे मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उनको गेम का भी पता लगेगा कि नहीं एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, और भी प्रोफेशन है, ठीक है, एक डॉक्टर आप एम्स के डॉक्टर बन गए, आपको डायरेक्टर को नाम पता होगा एक जो टीवी पे आ रहा है, ठीक है, बाकी डॉक्टर्स को टीवी पे आते नहीं है ना, तो ये आपको छोटे से बड़े तक टीवी पे दिखेंगे, हर सीरीज पे दिखेंगे, इसलिए वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्ल्ड में फेमस करते हैं, आप फैन फॉलोइंग देख लो कोहली की कितनी है, ठीक है, उसका आप साल की टर्नओवर देख लो कितने करोड़ की है, वो वर्ल्ड में मेरे ख्याल 5 या 7-8 में चलता है हाईएस्ट, जो आपके रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन वर्ल्ड के चलते हैं ना, तो उनकी लिस्ट में ये 3-4 चलते हैं, तो आप ये देख लो कितनी उनकी टर्नओवर है साल को, आप मतलब एक गेम के थ्रू ले रहे हो। और ऐसा नहीं, अभी आप पैरा ओलंपिक वालों को देख लो, आप ओलंपिक्स वालों को देख लो, इन करोड़ उनको मनी मिलेगी। तो ये चीजें आपको बच्चे जब उनको पता लगता है, अब आपने देखना जेवलियन का इंडिया में कितना क्रेज हो गया, जब से ये जेवलियन में गोल्ड लेके आया है, उधर से पैरा ओलंपिक वाला भी लेके आया अपने रिकॉर्ड 2 बना के, तो लोगों में एक ये हो गया कि हमने भी जेवलिन फेंकना, जितने बच्चे आ रहे हैं सेंटर्स में उनको और हमने भी जेवलिन करना, तो ये एक मोटिवेटेड होते हैं। किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की है तो वो पूरा आपका एक सोसाइटी को मोटिवेशन उससे मिलती है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत एक अच्छी चीज कही है, उन्होंने कहा है कि जितने भी मेरे पार्टिसिपेशन भी जिसने किया, नॉट अ मेडलिस्ट ओलंपिक, वो अगर 75 स्कूल में विजिट करते हैं, उनको उन्होंने कहा है कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक एक आदमी 75 स्कूल में जाइए, बच्चों को वहां पे जाके आप वहां पे मोटिवेट करें, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। अगर किसी स्कूल में वो लोग जाएंगे, अब वहां पे बच्चे देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो कितना ज्यादा एक आपको मोटिवेशन लेवल मिलता है। इंडिया में अगर आपने ओलंपिक में मेडल लेके आने हैं तो ये आपको ऐसा कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ये लोग बोल तो देते हैं कि 140 करोड़ है जी, मेडल नहीं आता, 140 करोड़ में से पहले ये देखो खेलते कितने, फिर ये देखो आपको कितनी फैसिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है, फिर आपका रिजल्ट आता है। अगर आप बच्चे को उसको आप जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसको छोटी उम्र से आप उसको क्या करेंगे, उसको फ्यूचर को सेव करेंगे, अगर उसको गवर्नमेंट बोलेगी इफ यू आर अ नेशनल प्लेयर योर फ्यूचर इज सिक्योर, आपको हम 100% जॉब देंगे, अगर आप स्टेट में आपका गोल्ड आता है, इफ यू आर अ स्टेट चैंपियन, अगर आप किसी भी स्टेट से खेल रहे हो, अगर आप वहां के मेडलिस्ट हो,
तो आपको जॉब मिलेगी, आपको खाना पीना स्टाइफंड, आपका इक्विपमेंट, आपका जितना भी आपके इक्विपमेंट पे पैसा लगता है वो हम सब फ्री देंगे। फिर बच्चा मोटिवेट होता है, ठीक है। जब आपका गोल्ड मेडल आ गया उसके बाद आप 20 करोड़ दे दो उसको, उससे आपको आने वाला टाइम में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर वही 20 करोड़ आपने कहीं पे लगाया होगा अकेडमीज में, अच्छे सेंटर्स में, तो आपको वहां से कई मेडल मिलेंगे। तो गवर्नमेंट आल्सो वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज। वो भी बोल रहे हैं कि छोटे छोटे जो आपका रिमोट एरियाज है वहां से हम कुछ करें। तो योगा का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रोल है। आपके स्पोर्ट्स में जितनी साइकोलॉजिकली गेम अब चल रही है, मेंटली गेम जो चल रही है, अभी आपने देखा होगा कोहली ने स्टेटमेंट भी दी वहां पे, इनका बहुत मैचेस में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वहां पे जो मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होगा बंदा वो ही डोमिनेट करता है दूसरे को। अगर कई कईयों का ऐसा होता है ना, आपको कुछ थोड़ा सा छेड़ दिया या बोल दिया, आप एरोगेंट हो गए, आप अपनी कंसंट्रेशन खराब कर गए, तो खत्म है। जो ऐसी सिचुएशन पे अपने आप को कंट्रोल, अब कहीं खेलते हो एक दूसरे को बोलते हैं वहां पे खड़े होकर, ये हो गया तेरा, ये हो गया, जो क्लोज फील्डर होते हैं ना, आप तो कैमरेज वाले पकड़ लेते हैं, अदरवाइज वो क्या हो, लेसिस खुल गए, वो बंदा देखेगा लेसिस को उतनी देर में बॉल आ गई, मतलब कुछ भी बोल देते हैं वहां पे। बट अब थोड़ा सा जो आपका जो माइक का है ना सिस्टम, वो आपका सब लिप्स, इवन लिप्स, अदरवाइज आपने कोहली को देखा ही है, ठीक है ना, तो ये चीजें वो पकड़ में आ जाती है, इस करके वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट फिर भी बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ताकि कंसंट्रेशन खराब करनी है। तो योगा इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंसंट्रेट योर सेल्फ, मेडिटेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, जितने स्पोर्ट्स पर्सन है ये सारे करते हैं, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, कंट्रोल में रखना, अपना टेम्परामेंट लूज नहीं होने देना इन डिफरेंट सिचुएशन। तो योगा से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है आपका, स्ट्रेस को हम दूर करते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी को हम क्लीन करते हैं, मसल की टोनिंग बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है, ठीक है, बॉडी पोस्चर आपका बड़ा अच्छा होता है, और जो डिफरेंट आसन्स हैं वो आपको बॉडी को क्या करते हैं, एक आपके आसन्स भी कई तरह के होते हैं, एक मेडिटेटिव होते हैं जिसमें हम मेडिटेशन ही करते हैं सिर्फ, ठीक है, फिर एक क्योरेटिव होते हैं जहाँ पे आपको किसी चीज को हमने क्योर करना होता है, कोई डिजीज को क्योर करना है, जैसे हम बोलते हैं वज्र आसन है, डाइजेशन के बेस्ट है, ठीक है, ताड़ आसन आप खड़े हो जाओ दैट इज गुड फॉर हाइट के लिए, ऐसे डिफरेंट आसन हैं जिससे आपको बहुत डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, तो वो आपके क्योरेटिव का हो जाता है, मेडिटेटिव हो गया, देन रिलैक्सेटिव, रिलैक्स वाले कौन से हैं, जैसे शव आसन में लेट गए हो आप, बिल्कुल रिलैक्स है, सारी एक्टिविटी करके शव आसन में आदमी लेट जाता है आईज क्लोज, ठीक है, बिल्कुल आपने कहीं कुछ सोचना नहीं है, तो वो आपको एक रिलैक्सेटिव हो गया, रिलैक्स पोजिशन में हो गया, ठीक है, मेडिटेशन, पद्मासन, ऐसे आप बैठ जाते हो जैसे समाधि में हम लोग बैठते हैं, ठीक है, तो क्योरेटिव, ये सारे डिफरेंट आसन है आपके, जैसे आपका चक्र आसन है स्पाइनल के लिए, हर आसन, गरुड़ आसन है, नौका आसन है, पवन मुक्त आसन है, ये आसन आपने अच्छी तरह पढ़ लेने, देखने उसको, और आपको एग्जीक्यूशन उसकी आनी चाहिए, और कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको नेम भूल सकते हैं वो, आपने जब आप एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करोगे यू कैन डू इजीली, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। मेन इसमें आपको जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, प्राणायाम क्या है, प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम मेन है, अभी जो आपने कहा था अनुलोम विलोम, शीतली, ब्रह्मकारी, ऐसे करते हैं ना टीथ से वो ब्रह्मारी भौरे की तरह, इसको आईज को नोज को क्लोज करके थ्रोट से आवाज निकालनी है, ठीक है, देखा हो ना आपने, देखा है ना, करते हैं पार्क में करते हैं वो, ये सारी चीजें करते हैं, इसका बहुत बेनिफिट है हर चीज का, ब्रह्मकारी, नौली, अनुलोम विलोम, उज्जैली, क्लैपिंग भी करते हैं, उसे वाइब्रेट सारा आपका होता है पूरा बॉडी, हंसते हैं जोर जोर से, देखा ना, हा 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 करते ना ऐसे, ये भी एक एक्सरसाइज है, इससे आपके जॉज और इसके कहते पता नहीं कितने आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग तो सारा दिन हंसते ही नहीं है, सुबह निकले वैसे ही, शाम को भी वैसे ही,
और सो गए फिर ऐसे, सारा टेंशन में रहते हैं सारा दिन। उनको कुछ पूछो भी, आपने कभी भी देखना होगा कहीं आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल में बच्चे होंगे जो क्या होंगे, हमेशा टेंशन में, मतलब कोई काम करना हो ऐसा हो, ऐसा हो जाएगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो ऐसे आदमी की कंपनी भी नहीं करनी चाहिए, दूसरा बंदा भी डिप्रेशन में चल जाता है। जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, एंजॉय का मतलब है राइट एंड रॉन्ग को देख के, ठीक है, और अपना लाइफ का एक आपका टारगेट लेके चलते हैं और हमेशा खुश रहते हैं कोई भी सिचुएशन। और कुछ एक ऐसे होते हैं हमेशा सोच के उन्होंने टेंशन में रहना है, और 10 बंदों को भी अपने साथ वैसे ही कर देना है, तो वो उनकी कंपनी भी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। वो प्राणायाम से रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड, आपका जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड। और एलिमेंट आपके जो है वो 8 एलिमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए 8 कौन कौन से एलिमेंट है, पता है कौन कौन से है? क्यों नहीं आपको बताए तो थे स्टार्टिंग में, यम नियम आसना, उसके बाद प्राणायाम प्रतिहार धारण ध्यान समाधि। समाधि इज द लास्ट स्टेज, ये आपके एलिमेंट्स है और इसी से रिलेटेड सारा आपका सिस्टम योगा का चलता है। दूसरा चैप्टर का पता है कौन सा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एडेप्टेटिव एजुकेशन, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी क्या होती है? इट इज ए इनएबिलिटी टू डू सर्टन रेगुलर एक्टिविटीज। जो भी आप रेगुलर एक आदमी एक्टिविटीज कर सकता है, वो एक्टिविटीज वो नहीं कर सकते हैं। दैट इज